आइए आज हम कच्चे चावल से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाएंगे, जिसके लिए हम चावल को पहले भिगोने के लिए डाल देंगे। अगर हम सुबह नाश्ता बनाएंगे तो उसके लिए रात को ही चावल को भिगोने के लिए डाल देंगे। अब इसके बाद हम चावल को पीस लेंगे। ये देखिए, मैंने चावल को पीस लिया है, कितनी अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। और अब मैं इसके साथ खाने के लिए चटनी को बनाऊंगी, जो आप लोग देखिएगा। गैस को ऑन कर दिया है और इसमें मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। अब देखिए, कढ़ाई मेरा गर्म हो गया है। अब इसमें मैं तेल डालूंगी और तेल को गर्म होने तक, तेल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं डालूंगी पहले प्याज और हरी मिर्च। और इसे अच्छी तरह से भूनूंगी जब तक ये लाल ना हो जाए। और इसे मैं अच्छी तरह से भूनूंगी जब तक ये हल्की ब्राउन ना हो जाए, तब तक इसे मैं चलाती रहूंगी। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और इसको भूनते रहेंगे जब तक कि ये लाल ना हो जाए। थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट भी डालेंगे। इसे पेस्ट बहुत अच्छी आती है, अदरक लहसुन का पेस्ट से। अब इसमें मैं दो तेज पत्ता डालूंगी। अब इसमें मैं टमाटर डालूंगी। ये देखिए, मैंने टमाटर को सारे टमाटर को मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। थोड़े से मैंने आलू के भी टुकड़े करके रखे हुए उबाले हुए आलू को, अब इसमें मैं थोड़े से उबले हुए आलू है इसे मैंने मैश करके इसमें डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से चलाऊंगी। इसे मैं जब तक भूनूं जब तक कि अच्छी तरह से भुना ना जाए, इसका मसाला और ये टमाटर पूरा अच्छी तरह से गल ना जाए इसमें, तब तक इसे मैं भूनती रहूँगी। अच्छी तरह से ये मेरा आलू और टमाटर मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। थोड़ी देर से मिक्स करने के बाद इसमें मैं पानी डालूंगी और इसे उबालने के लिए छोड़ दूंगी। थोड़ी सी इसमें मैंने जीरा पाउडर भी डाल दिया है। और थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है ताकि सब कलर अच्छा से आ जाए, देखने में ये अच्छी लगे। लाल कलर की आएगी तो देखने में ज़्यादा ही सुंदर लगेगी। अब आप देख रहे हैं कि मेरा ये आलू और टमाटर अच्छी तरह से मिल गया है और अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दूंगी ताकि ये दोनों बराबर से गल जाए और मेरा चटनी तैयार हो जाए। जितना मुझे ज़रूरत है उतना ही पानी मैं डालूंगी इसमें ताकि ये दोनों अच्छा से इसमें उबाल आ जाए इसमें और अच्छी तरह से पक जाए।
इसको अब मैं ढक दूंगी 10 मिनट के लिए ताकि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए। अब देखिए मेरा टमाटर और आलू का चटनी बन के तैयार हो गया है, आप देख सक रहे हैं इसमें पूरा अच्छी तरह से उबाल भी आ गया है और ये अब खाने के लिए एकदम तैयार है। अब हम इसको ढक देंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब देखिए हम लोग रोटी बनाने के लिए जा रहे हैं। रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें तेल डालेंगे। हमारा तेल गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे अब प्याज और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। प्याज और खत्म करो। अब देखिए प्याज मेरा थोड़ा सा भून गया है और इसमें मैं डालूँगी शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल दिया मैंने इसमें और अब इसे भी मैं हल्का भून लूँगी। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना भूनना है कि ये गल जाए। ये देखिए मेरा इसमें शिमला मिर्च भी अच्छी तरह से गल गया है, थोड़ा थोड़ा बाकी है गलने के लिए। तब तक इसमें मैं डाल दूँगी ये मेरा कद्दूकस किया हुआ बीट है, इसको मैं इसमें डाल के थोड़ा सा भून लूँगी। जितनी सब्जियां हम इसे डाल सकते हैं उतना ही टेस्टी मेरा रोटी बनेगा और हेल्दी भी बनेगा। अब आप देख रहे हैं कि मेरा इसमें बीट हल्का हल्का भुंजा गया है। अब इसमें मैं डालूंगी पत्ता गोभी जो कि मैंने कद्दूकस किया हुआ था। और अब इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। आप देख रहे हैं कलर कितना अच्छा लग रहा है, जितना अच्छे से कलर आएगा उतना ही टेस्टी ये खाने में भी लगेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डालूंगी और इसे भी मैं थोड़ी सी भून लूँगी। अब इसमें मैं जो ये चावल काटा जो पीस के रखी थी इसको मैं इसी में मिक्स कर दूंगी। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी जब तक कि ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स ना हो जाए और इसे हल्की हल्की आंच में मैं चलाती रहूंगी। अब देखिए इसमें मैंने चावल काटा डाल दिया है और इसे हल्की हल्की आंच में धीरे धीरे से पकाऊंगी जब तक इसका पानी पूरा सूख न जाए। इसमें तब तक मैं इसे चलाती रहूंगी और आप देख रहे हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है, सुंदर लग रहा है देखने में, तो जानिए खाने में ये कैसा लगेगा। धीरे धीरे मैं इसे चलाती रहूँगी इसी तरह कम आँच में। अब आप देख रहे हैं कि इसे मैंने पूरी तरह से इसके पानी को सुखा दिया है धीरे धीरे चलाकर। जब ये पूरा मेरा सूख जाएगा तो मैं इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं इसे फिर रोटियां बनाऊंगी। तब तक के लिए इसे ठंडा होने के लिए मैं छोड़ देती हूँ। अब देखिए मैंने उस आटे को जो नीचे रखा था ठंडा होने के लिए वो ठंडा हो गया है। अब मैं तावा चढ़ाऊँगी और उसमें तेल डालूँगी। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं या सरसों का तेल ले सकते हैं। यहाँ मैंने राइस ब्रैन ऑयल लिया है और इसमें जो मैंने
मिक्सचर रेडी किया था उसे मैं तावा में डाल दूंगी और धीरे धीरे से पूरे तावा में फैलाऊंगी। हल्का पानी लगा लें आप हाथ में अगर आप हाथ में चिपकता हो तो, और धीरे धीरे से पूरे तावा में फैलाते जाइएगा। अब देखिए मैंने इसे तावा में अच्छी तरह से पूरा फैला दिया है और अब ये देखने में कितनी ही सुंदर लग रही है। अब ये जब पक जाएगी तो और भी सुंदर लगेगी। 5 मिनट से मैंने पकने के लिए तवे में छोड़ दिया है। अब आप देख रहे हैं कि मेरा रोटी एक तरफ से पक गया है। अब इसे मैं पलट दूंगी। देखिए रोटी कलर कितना अच्छा लग रहा है, सारी सब्जियों का मिक्सचर इसमें। अब धीरे धीरे इसे मैं इस तरफ पकने दूंगी और हल्का हल्का इसमें तेल चारों साइड से डाल दूंगी। 5 मिनट मैं इधर पकाऊंगी रोटी को और उसके बाद मैं इसे प्लेट में निकाल दूंगी। देखिए मेरा रोटी पक चुका है, अब मैं इसे पलट दूंगी। देखिए ये साइड भी कितना अच्छा ब्राउन कलर आ गया है। जितना ही अच्छा ये देखने में लग रहा है उतना ही टेस्टी लगेगा खाने में। अब इसे मैं प्लेट में निकाल दूंगी और गर्मा गर्म। अब देखिए ये मेरा रोटी तैयार हो गया है और इसके साथ मैंने जो चटनी बनाई थी वो अब सर्व करने के लिए रेडी हो चुका है। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बना है ये। टमाटर का चटनी और रोटी खा के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा।